वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी आशिमा सक्सेना। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। मैंने ऑलरेडी टाइटल पढ़ लिया है। आज की वीडियो होने वाली है अबाउट विंटर आउटफिट्स। मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं आप लोगों को लेनी ही चाहिए, कि मस्ट होनी चाहिए विंटर्स में, जिससे मतलब एक ही चीज़ से ना अब बहुत सारे लुक तो मैं बोल रही थी कि मतलब कैसे आप किसी एक ही चीज़ से बहुत सारे लुक रिक्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत सारे मैं आइडियाज़ आपको दूंगी कि कैसे कैसे आप ड्रेसअप हो। और ऐसे सुनना बहुत अजीब लग रहा होगा, आप लोगों को लग रहा होगा एक भालू हमें एडवाइस देगा कि कैसे ड्रेसअप हो। तो ठीक है, मैं असली में भालू तो हूँ नहीं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। रुको, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे को आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। एज यू ऑल नो, विंटर्स आर कमिंग, और विंटर्स में हमारे स्किन और हमारे लिप्स खराब होने लगते हैं, एंड स्किन से कहीं ज़्यादा फास्टली हमारे लिप्स खराब होते हैं क्योंकि वो थिन होते हैं। बट डोंट वरी गाइस, आई हैव समथिंग फॉर यू, वेट लेके आती हूँ। सो गाइस, आई हैव दीस मामा अर्थ के न्यूली लॉन्च नेचुरली टिंटेड लिप बाम्स, एंड ये सिर्फ आपके लिप्स को मॉइस्चराइज और हील नहीं करने वाले, ये आपके लिप्स को एक नेचुरली टिंटेड शेड भी देंगे। रुको, मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। सो अभी मैं ये वाला यूज करने वाली हूँ, चेरी का। ये कुछ ऐसा है, मैं इसको हैंड पे लगाती हूँ। इसमें से स्मेल भी आ रही है चेरी की, और इसका शेड बहुत ज़्यादा अच्छा है, नेचुरल चेरी, एकदम चेरी जैसा आ रहा है। एंड ये स्मज प्रूफ भी है गाइस। मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स की मुझे बेस्ट चीज़ यही लगती है कि ये जो है 100% नेचुरल होते हैं, इनके अंदर कोई भी केमिकल्स नहीं होता है। और आप लोगों को पता होगा मैं मामा अर्थ के प्रोडक्ट पहले से भी यूज़ करती हूँ। गाइस, ये लिप बाम एकदम लॉन्ग लास्टिंग है, आराम से आपके 12 आवर्स तक चलेंगे, और ये 5 डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल है, और ये ऑल स्किन टाइप को सूट करने वाले हैं, तो एकदम बेस्ट प्रोडक्ट है फॉर विंटर्स। एंड इट ऑल्सो हैज विटामिन ई, शिया बटर एंड कोकोनट ऑयल दैट आर रियली गुड फॉर योर लिप्स। गाइस, मामा अर्थ इज टेकिंग अ रियली गुड इनिशिएटिव, दैट इज प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव। अब आप लोग बोलोगे ये क्या है, मैं बताती हूँ। लाइक एवरी टाइम यू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम देयर वेबसाइट, इट विल लिंक टू अ ट्री दैट दे आर गोइंग टू प्लांट। लाइक आप जितने प्रोडक्ट परचेस करेंगे उतने ही ज्यादा ट्रीज प्लांट होंगे, एंड बाय 2025 दे आर गोइंग टू एम लाइक 1 million ट्रीज। That is really a good amount, और बहुत अच्छा initiative है। And also guys, you can download the Mama Earth app, जिससे आप लोगों को easily और जल्दी पता लगता रहेगा कि कौन सी sales and discounts are going on. Guys, you can definitely try this lip balm, बहुत ही ज्यादा amazing है। अगर आपको 20% का ऑफ चाहिए तो you can also use my code, that is explorer2021। और याद रखना, जो डिस्काउंट है, कूपन कोड है, वो सिर्फ आपको मामा अर्थ की वेबसाइट पे और मामा अर्थ की ऐप पे ही मिलेगा। बाकी आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं कहीं से भी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका से, कहीं से भी। तो जाइए जल्दी से ले लीजिए। सो जो हमारी पहली चीज है मस्ट हैव के लिए, वो है वार्मर्स। मेरे पास ये दो है, एक ब्लैक कलर का और एक वाइट कलर का, और ये दो बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं आपके पूरे विंटर्स में। तो मेक श्योर करिएगा कि अच्छी क्वालिटी के हो, गर्म हो, ताकि मतलब स्टाइलिश भी लगे और आपको ठंड से भी बचाए। तो अभी मैं बताऊंगी इसको स्टाइल कैसे करना है। इसके साथ में ही जो चीज़ आएगी मतलब पूरा सेलेक्ट करने के लिए, मस्ट हैव में है ये चीज़, ये होने ही चाहिए ताकि आप बहुत सारे लुक रिक्रिएट करें इससे। तो इसके साथ में ही आएंगी हमारी सेकेंड चीज़, जो कि है ये स्टॉकिंग्स। आई डोंट नो आप लोग इसको क्या बोलते हैं, बट मैं इसको स्टॉकिंग्स ही बोलती हूँ, जिन लोगों को नहीं पता। ये कुछ ऐसी होती है, सॉक्स पूरी लॉन्ग बॉडी में रहती है, ये टांगों पे, इधर आप लोग देख सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। आप मतलब इसको किसी भी ड्रेस के साथ स्टाइल कर सकते हैं ईजिली, बहुत अच्छी होती है। और इसमें आपके पास जो मस्ट हैव होने चाहिए वो है एक ब्लैक कलर और ये स्किन कलर। मतलब इसको तो लगता ही नहीं है कि आपने कुछ पहना है। लोग कहेंगे इसको ठंड नहीं लग रही सर्दियों में, पर आपने ये पहन रखा होगा, आपको ये बचाएगा ठंडी से।
तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इन दो चीजों के साथ कैसे बहुत सारी चीजें पहन सकते हैं। आइए मेरे साथ स्टाइल करो ये। सो अभी मैंने ये वाइट वार्मर पहन लिया और इसके साथ में मैंने पहनी है स्किन कलर की स्टॉकिंग्स। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप अपनी समर ड्रेसेस को रीवेयर कर सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ दो चीजें आपको बताई हैं मस्ट हैव में, वाइट वार्मर और स्किन स्टॉकिंग्स। और इसके साथ ही हमने तीन लुक क्रिएट कर लिए। और आप ऐसे बहुत सारे लुक क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे जितने भी आपके पास ड्रेसेस है जो आपको लगता है वो आप नहीं पहन पाएंगे, समर में ही काम आएंगी। आपको नए कपड़े लेने की जरूरत भी नहीं है, आपको बस ये ऐड करना है अपने वार्डरोब में और आप बहुत अच्छे लग सकते हैं। तो अभी जो सेकंड चीज थी वो थी ब्लैक वार्मर और ब्लैक स्टॉकिंग्स। अब इसको ऐड करके मैं दिखाती हूँ कैसे आप अपना आउटफिट क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस अभी मैंने पहन लिया अपना ब्लैक वार्मर और इसके साथ पहने मैंने ब्लैक स्टॉकिंग्स। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसमें आप कैसे अपने आउटफिट क्रिएट कर सकते हैं। ये रहे थे दूसरे, मतलब कैसे आप क्रिएट करें। एंड आई होप आपको ये वाले भी अच्छे लगे। वीडियो यहीं पे एंड नहीं हुई है, अभी और आउटफिट्स रहते हैं। तो जो अब हम नेक्स्ट लुक रिक्रिएट करने जा रहे हैं उसके लिए जो थर्ड मस्ट हैव है वो है टेनिस स्कर्ट्स। और टेनिस ऐसे नहीं, टेनिस स्कर्ट्स, तो फिर भी अजीब साउंड किया, कोई बात नहीं उसको इग्नोर करते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता क्या होती है टेनिस स्कर्ट, मैं दिखाती हूँ क्या होती है। और मस्ट हैव है तो ब्लैक और व्हाइट बेसिक कलर्स हमेशा होने चाहिए। आजकल आप लोगों ने देखा होगा पिन इंटरेस्ट पे बहुत सारे ही, मतलब एक अलग सी वाइब आ रही है टेनिस स्कर्ट कॉलर और स्वेटशर्ट्स कोई सी भी, तो हम वही लुक रिक्रिएट करने जा रहे हैं। पर उसके लिए हमें एक और बेसिक चीज चाहिए होगी जो कि है पोलो टी शर्ट्स। जिन लोगों को नहीं पता पोलो टी शर्ट्स क्या होती है, वो ऐसी टी शर्ट्स होती है जिनमें कॉलर्स होते हैं। और मेरे को ये फुल स्लीव्स की मिल गई लकीली, और ये मतलब बहुत अच्छा आप कॉम्बिनेशन देने वाले हैं। अगर आपको ये नहीं मिलती है मार्केट में तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप वैसे मिल जाएगी अगर आप लोग स्कूल जाते होंगे तो। जैसे हमारे स्कूल में हाउस यूनिफॉर्म होती थी ये उसी टाइप की है, कुछ सिंपल। और अगर फिर भी नहीं मिलती तो आप व्हाइट शर्ट भी ले सकते हैं, व्हाइट शर्ट के साथ भी लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसके और टेनिस स्कर्ट के साथ लुक क्रिएट करके दिखाती हूँ कि कैसे जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर ये रहेगा नीचे ये रहेगा और बस स्वेटशर्ट्स चेंज होती जाएगी। और स्वेटशर्ट का बेनिफिट ये है वो लूज होती है, तो आप पापा की भाई की जिसकी मिल रही है यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास भी थोड़ी बहुत मेरे भाई की है, मैं वही आपको पहन के दिखाऊंगी। सो गाइस अभी तो बेसिक ये ऐसे दिख रहा है, बिल्कुल स्कूल वाली फीलिंग आ रही है। अब इसके साथ ही हम स्वेटशर्ट्स चेंज करते जाएंगे। रेडी रेडी। Thank you.
थे हमारे आउटफिट्स जो कि टेनिस स्कर्ट के साथ जा रहे थे। और अगर आपको लगता है कि ये अलाउ नहीं होगा घर पे, कोई बात नहीं, नहीं होता, मुझे भी नहीं होता था पहले। पेरेंट्स जो भी सोचते हैं अच्छे के लिए सोचते हैं। और अगर आपको लगता है कि हाँ ठंडी लग जाएगी या कुछ भी है या ज़्यादा सर्दी आएंगी, ऑब्वियसली उसमें तो आप नहीं पहन पाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करने, ये चीज़ और ये चीज़ सेम रहेगी। नीचे आप वाइट जीन्स और ब्लैक जीन्स जैसे करा था, जैसे जैसे मतलब जिसके साथ वाइट जाएगा जिसके साथ ब्लैक जाएगा वैसे पेयर कर लेना। मेन चीज़ जो इसमें ध्यान देनी थी आपको, कलर कंट्रास्ट देखने की, किसके साथ वाइट स्कर्ट जाएगी किसके साथ ब्लैक जाएगी, बाकी आप खुद ही लुक क्रिएट कर सकते हैं बस सिंपली इसकी हेल्प से और स्कर्ट की हेल्प से। तो चलिए बैठते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। सो गाइस, पहले मैं सोच रही थी आपको एक और मस्ट है बताओ, बट मेरे दिमाग में एक और आउटफिट आइडिया था तो मैं अभी वो शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, सेम वाइट टेनिस स्कर्ट और जो हमारे पास वाइट वार्मर था वो, तो अभी हम पहले ऊपर वाइट वार्मर में चेंज कर लेती हूँ। सो गाइज, ये रहा हमारा ऑल ओवर वाइट आउटफिट। अब मैं आपको बताऊँगी इसको स्टाइल कैसे करते हैं। मेरी बहन अभी चली गई क्योंकि रात के 1:30 बज चुके हैं। कोई बात नहीं, मैंने ही बोला था। तो अभी ये पूरा वाइट आउटफिट है, अब इसको कैसे स्टाइल करना है देखिए। तड़ा। सो गाइज, आपको क्या करना है, अंदर ओवरऑल वाइट पहनना है और ऊपर आपके पास जो भी जैकेट है, जो उनसे भी कलर की है, पिंक, ग्रीन, ब्लैक, वाइट आप चेंज कर सकते हैं और उतने ही ज़्यादा लुक क्रिएट हो जाएंगे आपके पास। तो ये रहा हमारा लुक। अब सेम चीज़ मैं करने जा रही हूँ ब्लैक आउटफिट के साथ। ओवरऑल अंदर ब्लैक रहेगा और ऊपर आप कोई सी भी नॉर्मल जैकेट वेयर कर सकते हैं। सो देखो। सो गाइस, ये रहा मेरा ओवरऑल ब्लैक आउटफिट। अभी मैंने स्टॉकिंग्स नहीं पहनी है क्योंकि ऐसे नहीं पहनी, बार बार पहनना उतारना, तो अभी इसके ऊपर मैं लेने वाली हूँ जैकेट। टाटा। और ऐसे ही आप सेम इसमें जो भी आपको जैकेट वेयर करनी है वो वेयर कर सकते हैं ओवरऑल आउटफिट के ऊपर। सो गाइस, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मस्ट हैव की, जो कि है स्कर्ट्स। आप बोल रहे होंगे अभी तो स्कर्ट बोली, तो पहले मैंने बोली थी टेनिस स्कर्ट और अभी मैं बोल रही हूँ कुछ डिफरेंट स्कर्ट्स जिनको हम स्टाइल कर सकते हैं सिंपल, वही हमारे वार्मर्स के साथ ब्लैक एंड वाइट। आपको बस देखना है आपकी स्कर्ट किस टाइप की है, जैसे ये वाइट और ब्लैक दोनों के साथ जाएगी, ये वाली ब्लैक के साथ ही जाएगी और ये वाली भी ब्लैक के साथ, वाइट के साथ भी जा सकती है, ये भी दोनों के साथ जा सकती है। तो आप स्कर्ट्स को ईजिली स्टाइल कर सकते हैं सेम वे से, वार्मर, स्कर्ट, स्टॉकिंग्स एंड यू आर गुड टू गो। सो नेक्स्ट मस्ट हैव की तरफ, ये आपके लुक को ना एक कंप्लीट क्यूट लुक देगा। आप बोलोगे मस्ट हैव तो नहीं है, बट ये ऐड करता है कुछ अलग सा आपके आउटफिट में। और ये है कुछ क्यूट सी कैप्स, कैप्स, हैट, बीनी, कुछ भी कह सकते हो इसे। मतलब ऐसे फैशन रिलेटेड इतनी नहीं करी मैंने कभी, हमेशा मेकअप वीडियोस करी, ऐसे फैशन वीडियो नहीं करी, हॉल वीडियोस करी बट ऐसे कभी कुछ एडवाइस नहीं दिया। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये हेल्पफुल था या नहीं था, और आप लोगों को लगा अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और बस मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, मैं बनाऊंगी जरूर आप लोगों के लिए। तो आई थिंक यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय। गाइज, मैं वीडियो एंड कर चुकी थी बट मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है, रुकिए। चलिए चलो, ये रहा मेरा बेड, अभी ढंग से दिखा दी गाइज। ये रही मैं, जहाँ से कपड़े स्टार्ट हो चुके हैं, शूज़ ये भी, और ये सारे कपड़े,
जो भी वीडियो में यूज़ है, और कई चीज़ें रह भी गई हैं, मतलब मेरे को बाद में याद आ रहा है दिखाना ये, मतलब ऐसी बहुत चीज़ें, पर मेरा बेड पूरा भर चुका है और मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। अभी बजने वाले हैं 2, तो जल्दी से बाय बाय बोल देती हूँ आप लोगों को। बाय बाय।